अस्सलाम वालेकुम। जो उट्टापल्ली पे केस हुआ था हैंगिंग का, वो बच्ची की वालदा बोल रही हूँ, हाजिरा बेगम की वालदा बोल रही हूँ। हम लोग आज 19 दिन हो गए, 19 दिन से हर जगह फिर रहे, हर जगह जा रहे हैं। आज हम लोग कहीं भी रिस्पांस नहीं मिलने की सूरत में हम लोग असद साहब करने गए थे। उन्होंने कमिश्नर आपको फ़ोन करे, डीएसपी साहब को फ़ोन करके सख्त सख्त कार्रवाई करने की बात करे हैं। और जो जो भी धमकी दे रहे थे, उंडे जो धमकी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, लोगों को पकड़ के लाके लोगों को सख्त 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 कार्रवाई करके बयान लेने का बोले से है। ये इमरान गोली है, कुछ गुंडा है, पैसे ले लेके पीछे हट जाओ केस में से, कई को इन्वॉल्व हो रहे था बोल के धमकी दे रहे थे, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करने के वास्ते बोले। हाँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होंगी और रिपोर्ट भी जल्दी से जल्दी मंगाएंगे, मंगा के आगे कार्रवाई करेंगे बोल के बोले। और कुछ नाम ही गुंडा है बोल रहे, हमको तो नहीं मालूम कौन है क्या है, अब वो भी नहीं मालूम उससे क्या रिलेटेड है, वो कौन है, कौन बोलने लगा रही, पीछे किसका हाथ है, अब वो तो नहीं मालूम। ये 8-10 दिन के बाद से शुरू है धमकी आना, हाँ फोन पे दे रहे, डायरेक्ट बुला के दे रहे, सामने आके दे रहे। हम लोग अब असदुद्दीन अवैसी के पास करे, हम लोग वहाँ पर गए, फिर पुलिस स्टेशन पे पुलिस स्टेशन को बोले, इंजन बड़ी पलकनुमा पुलिस स्टेशन में आके सब हम लोग जो जो रिकॉर्ड करे थे, जिसके फोन नंबर थे सब दे दिए हम लोग, अब लोग कार्रवाई आगे करते बोले। बहुत परेशानियाँ हो रही, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई घर पे निशाना लगाए बोल रहे, कोई वहाँ बच्ची के हॉस्पिटल में निशाना लगाए बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे। हमारी गलती ये हुई, हम लोग स्पॉट पे एक्शन नहीं लिए हम लोग, मैं तो गम में थी, मगर कोई एक्शन इसलिए नहीं लिए के बच्ची फांसी लगा ली समझे, मगर जब हम लोग गुस्सल थे टाइम पे देखे निशाना थे तो हम लोग केस आगे बढ़ाए। हम लोग जब तक भी हम बच्ची फांसी ले ली समझे थे, जब तक भी हम लोग उसमें थे, जब केस आगे बढ़ाने की वो करे तो हम लोग को परेशानियां आ रही। तो आप ये सोचिए, बच्चे वाले जब गुनाहगार नहीं है तो कब्रिस्तान को भी नहीं आए ना लोग, फिर अब धमकियां देने लगा रही रिपोर्टर से, इनसे उनसे किससे किससे की धमकियां देने लगा रहे, जब गलती नहीं है लोगों की तो फिर धमकियां कई को देने लगा रही, फॉल्ट में है बोल के तो सब कर रहे हैं लोग, वो फिर कब्रिस्तान को भी नहीं आए, मौता में कोई लेडीज नहीं आए, ये गलती मान रहे नहीं बच्ची को, जरा आप देखिए, आप लोग देखिए वीडियो में देखिए। वालेकुम, मैं मोहम्मद हैदर, कुलीन मल्ली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सरगर्म कारकुन, नारी निकेतन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज जो है 12 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ था वट्टेपल्ली के इलाके में, पलकनुमा पीएस लिमिट्स के तहत, हाजरा नामी लड़की जो सुसाइड कर ली बोल के बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी दिनों से इनके वालदा बेचैन थे इस बात को लेके कि मेरी बच्ची हरकत नहीं कर सकती बोल के बोल रहे थे। आज भी उनका बयान यही है, जिस तरीके से बच्ची बोल रही थी वो तरीके से जो है ये बच्ची इतना बुजदिली हरकत नहीं कर सकती बोल के बोलने पर, उस दिन भी जो है दिल को सुकून ना मिलने पर जाके जो है कब्रिस्तान में देखने पर मालूम ये हुआ कि बच्ची के जिस्म पे कुछ ज़्यादा ही जुल्म के निशान हैं। इसके अलावा साथ साथ हम लोग जो है कई लोगों से मुतालबा करें, कई हुक्मरानों से मुतालबा करें, ना होने की सूरत में आज नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के पास जाकर हम मुलाकात करें। उन्होंने फौरी डीसीपी साउथ जोन को कॉल करके ये हुक्म दिया है और साथ में मुतालिका कॉरपोरेटर हनान साहब भी हमारे साथ में थे, जाके जो है हम लोग उनसे मिले, मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद उन्होंने तहक्कुन दिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये चीज़ को जो है जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा और जो भी ये केस के रिलेटेड धमकी दे रहे हैं उनका भी मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। इसी के साथ मैं नखीब मिल्लत का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वहाँ तक जाने की नौबत क्यों, क्या पुलिस से आपको लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्या? पुलिस से रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं मिल रहा था कि आज 19 दिन हो गए, शहर हैदराबाद के अंदर कोसी ऐसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो 12 से 14 दिन के अंदर ना मिली, 19 दिन तक रिपोर्ट ना मिलने का इसका कुछ रीज़न अलग दिख रहा मेरे को, इसीलिए जो है आज वहाँ तक जाना पड़ा, वरना वहाँ तक जाने की नौबत आज तक हमारे को आई नहीं थी, लेकिन आज महसूस हुआ कि वहाँ जाना पड़ता इसीलिए गए थे हम। वहाँ से सदर साहब ने कॉल किया है, फौरी डीसीपी साहब को भी कॉल किया, एसीपी साहब को भी कॉल किया और कमिश्नर साहब को भी ट्वीट करे साहब
ट्वीट करके फौरी इस पर जो है सख्त से सख्त नजर डाल के कार्रवाई करने का मुतालबा भी करें। शुरुआत में जो सुसाइड हो रहा है, क्या है वालदा का डाउट, जो क्या बोलना चाह रहे हैं वालदा? पता नहीं, सब 10 साल पहले भी कुछ ऐसा इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था ये घर में, कौन करे पता नहीं, मगर बोलने से लोग हिचकिचा रहे, पता नहीं कहीं कहीं हिचकिचा रहे। लड़की के घर में कि लड़के के घर में? लड़के के घर में सेम बड़ी बहू के साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो चुका है 10 साल पहले, 2011 की बात है। अनंत साहब भी इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक नज़र डाल के इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, और जो भी इसमें हमको धमकियाँ दिए, 2.5 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, मैडम आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हैदर भाई आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमको ये बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी देने वाला और लेने वाला ऊपर वाला है, हम ये सब चीज़ों से परवाह नहीं करते, हमारे कदम कल भी नहीं रुके, आज भी नहीं रुकेंगे, ना आगे रुकेंगे इंशाल्लाह। धमकी देने वाले कौन है और कब से दे रहे आप लोग? अभी तो फिलहाल पुलिस बताएंगी कौन है वो, अभी तो नाम बताया ना, कोई नाम बता रहे थे मैडम? वो एक नहीं है साहब, 3-4 लोग हैं और। अच्छा, और भी लोग? और भी इनके पीछे पूरी चैन है। अच्छा, बाहर से जो ट्रांसैक्शन हो रहा, अमाउंट जो आ रहा, जो जा रहा, सब मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो धमकी दे रहे वो क्या लड़के वालों की तरफ से या कोई अनन पर्सन? लड़के वालों की तरफ से बल्कि मालूम पड़ा, 2.5 लाख रुपये ले लो आप, मैटर को क्लोज कर लो, 2 लाख रुपये ले लो, मैटर को क्लोज कर लो, कई कुत्ता लंबा आप जा रहे हैं, आपको क्या मिलने का उससे, किस तरीके की बातें आए हमारे सामने। शिकायत आपकी है? हाँ, इसकी शिकायत भी हम दी है, नकीबे मिल्लत साहब भी कॉल करें, असद साहब भी कॉल करके जो है बारहा DCP साहब को भी बोले, फलकनुमा इंस्पेक्टर साहब भी अभी लीव पे है, कोरोना पे है बेचारे, इंशाल्लाह आने के बाद उनकी भी क्या कहने बातचीत होंगी उनके भी साथ में इंशाल्लाह। वालदा का मतलब है कि पुलिस इनको सही कॉपरेट नहीं कर रही? पुलिस बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करी, वालदा के साथ साथ हमको भी, हम भी जाके मुतालबा करने के बाद रास्ते मुतालबा करें, इसका भी कोई हमको जवाब नहीं है आपका। तो अब ये आपसे कांटेक्ट में बोल के, एक आम आदमी गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए क्या फिर MP साहब का नहीं जाना पड़ेगा, या इस पर कुछ चेंजेस आना चाहिए, आपको क्या लगता है? चेंजेस तो ज़रूर आना चाहिए साहब, MP साहब के पास खाली जाने से काम नहीं होगा, आम आदमी के वास्ते भी चेंजेस आना चाहिए। अब हमारे सर के अल्लाह ताला एक हमारे को जरिया बनाया, इसीलिए MP साहब तक जा सके, मैं तो कोई दूसरा आदमी नहीं रह सकता ना। ये कहना है कि पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस होते हैं, ये केस में तो मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि फ्रेंडली पुलिस कुछ उनके तरफ से ताउन करी, वरना मैं इससे पहले देख चुका हूँ कि पंजेशा के पास उससे पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था स्ट्रीट फाइट का, 10 दिन के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन आज 19 दिन के बाद कोई पुरसान हाल नहीं है, एक औरत बच्ची के ऊपर ये हादसा पेश आता है, तो पुलिस वाले को अब तक रिस्पॉन्स नहीं दिए, इसके ऊपर CBI इंक्वायरी बिठाना चाहिए था, SB इंक्वायरी बिठाना चाहिए था, कोई एक पैसे की बच्ची जिस जब मरी, जब इंतकाल हुआ बच्ची का, तो उसके जिस्म के कपड़े तक भी पुलिस वालों को मालूम नहीं है, कि जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ आपको भाई, जो कपड़े सील करते, रूम सील करते, वहाँ पर जो है डॉग्स को ले आके निशानदेही करते पूरी, और फ़ोन जो है बच्ची का दूसरे दिन पुलिस वाले दे डाले हमारे हैंड ओवर, बच्ची के जो वालिदा है उनके हाथ को फ़ोन दे डाले वो लोग, इन्वेस्टिगेशन एक पैसे की नहीं हुई साहब, जहाँ तक हमारी सोच है, वो लोग क्या बोल रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करूँगा बोल के बोल रहे हैं, ACP साहब बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो इससे पहले साहब के हाथ में कुछ भी है नहीं। तो सर देखिए, एक्चुअली जैसा आपने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में आनी चाहिए, इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है 12 से 14 दिन में आने का, मतलब उसका टाइम वेरिएंट है, 2 हफ्ते के आसपास में वर्किंग डेज में आने का है, लेकिन आज 19 दिन हो गए क्यों नहीं है रिपोर्ट? तो सर ये आप वहाँ पर जाके पता करें हॉस्पिटल में, हम जाके पता कैसा कर सकते हैं साहब, जब पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही पता कर सकती है ना चीज़ की, हो सकता आप लोग जाने से कुछ और चीज़ उसमें मालूम हो जाए, हमारे जाने से अगर कुछ और चीज़ मालूम होती तो फिर पुलिस क्या करती? पुलिस पे तो आप एतमाद नहीं रहा, ऐसी बात हो रही है? हमारी पुलिस पे तो एतमाद इसीलिए नहीं है कि फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर साहब अभी जो है लीव पे है, दूसरी चीज़ फिर ACP साहब जो है उतना तवज्जो नहीं दे रहे अभी, तीसरी चीज़ फिर जो है हम आज सबूत पूरा कलेक्ट करके बारहा फिर रहे हैं, बच्ची के जब उसूल तदफीन के टाइम पे जो फोटोज़ थे वो फोटोज़ को प्रिंट करा के हम फिरे, उसके बावजूद भी जो है वो लोग देख के नहीं नहीं ये तो इसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते, हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ही हम काम कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।